नमस्कार, मैं हूं सृष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आइए एक नजर अब तक के मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री मोदी रोम में प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में भारत और इटली मिलकर करेंगे काम, बनी सहमति। डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर केजरीवाल सरकार का आदेश, कहा कोविड आरक्षित बिस्तरों का भी इस्तेमाल करें अस्पताल। गोवा इलेक्शन 2022, गोवा में बोले राहुल गांधी, हमारे घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा जाता है गारंटी है, वादा नहीं। 22 दिन बाद जेल से रिहा हुए आर्यन खान पिता शाहरुख के साथ पहुंचे मन्नत। जेएनयू में विवाद के बाद कश्मीर पर आयोजित वेबिनार रद्द, एबीवीपी के छात्रों ने किया विरोध। रूसी अरबपति ओलेग टिंकोव ने टैक्स चोरी मामले में $500 मिलियन का करा भुगतान, $1 बिलियन से अधिक संपत्ति छिपाने के लगे गंभीर आरोप। अमेरिका में लहरा भारतीय मूल का परचम, नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी के डायरेक्टर बनाए गए डॉक्टर राहुल गुप्ता। बढ़ती महंगाई पर HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख ने जताई चिंता, बोले कर्ज सदा के लिए सस्ते नहीं हो सकते। T20 इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड मैच पर टिम साउदी बोले, भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमें अपना पहला मैच जीतने के लिए आ तो रोचक होगा कल का मुकाबला। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने OTT से लिया संन्यास, फैंस को होगी निराशा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।